हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। जैसे कि हमारा पूरा मैथमेटिक्स जो है पांच पार्ट्स में डिवाइड है, उसमें से जो कैलकुलस है दैट इज अवर लास्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम कौन कौन से पार्ट कर चुके हैं, अपना सबसे पहले एलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, उसके बाद वेक्टर 3D वाला पार्ट हुआ, और हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ। दिस इज अवर फिफ्थ पार्ट दैट इज कैलकुलस। ठीक है, और जैसा कि इसका वेटेज जो है कैलकुलस का जेई में अराउंड 35-40% है। तो मतलब ये बोल सकते हैं हम जो जितने भी पार्ट्स हैं पांचों पार्ट्स, उनमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है कैलकुलस का। और उसमें भी कैलकुलस में जो हमारा पहला चैप्टर फंक्शन, ये क्या करेगा, बेस का काम करेगा, फाउंडेशन। क्योंकि अगर यही ये स्ट्रांग हो गया हमारा, तो आगे हमारा जो चैप्टर्स जाएंगे वो स्मूथ जाएंगे। बट अगर मान लो यही वीक रह गया, तो हमारा बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को दैट इज फंक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और मैं भी थोड़ा स्लो जाऊंगा। ठीक है ना, और हम इसको काफी टाइम देने वाले हैं, अराउंड 20-30 लेक्चर्स आई विल गिव टू फंक्शन ओनली, एटलीस्ट 20 लेक्चर्स। ठीक है, तो जिससे कि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। और एक चीज और कि ये वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर मीन्स पूरा कंप्लीट कैलकुलस, तो इसलिए तुम लोग अच्छे से ध्यान देना। तो फिर फॉर्मली टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंक्शन। तो पहले हम इसमें देखेंगे ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, और ग्राफ्स में भी ऐसा है कि तुम्हें जो मैं बताऊंगा वो ग्राफ्स तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, मतलब एकदम रटे हुए होना चाहिए। टिप्स पे होने से मतलब मेरा क्या है कि उसका शेप पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, प्लस उसके उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो अभी मैं डिफाइन करूंगा टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि डोमेन, रेंज, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, स्लोप कहाँ जीरो होगा हो रहा है, वो सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उस ग्राफ से रिलेटेड, वो हमें एटलीस्ट टिप्स पे होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वी शुड बी एबल टू ड्रॉ सच ग्राफ्स। कौन से ग्राफ्स हैं वो जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी ड्यूरिंग द चैप्टर बताते जाऊंगा बीच बीच में कि ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा आगे चल के। ठीक है ना, तो अगेन आई एम सेइंग लिसन माय वर्ड्स, दिस इज द फाउंडेशन फॉर द कंप्लीट कैलकुलस। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अपना विदाउट वेक्टर यू कैन नॉट ग्राफ इन 3D, उसी तरीके से विदाउट फंक्शन यू कैन नॉट लर्न कैलकुलस। ठीक है ना, तो इसलिए ये एकदम बेस का काम करेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्टार्ट करते हैं, हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखता हूं मैं कि टर्मिनोलॉजीज होती क्या है इसमें ग्राफ्स में, और फिर हम कुछ ग्राफ्स लेंगे। ठीक है ना, कुछ ग्राफ मतलब हमारा कंप्लीट शुरू के 2-3 लेक्चर जो है वो ग्राफ में ही जाने वाले हैं, फिर उनके ट्रांसफॉर्मेशन पे, फिर एक्चुअल हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन सम टर्मिनोलॉजीज। तो लिख लो टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ग्राफ, रिलेटेड टू फंक्शन या फिर ग्राफ, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फंक्शन या फिर ग्राफ लिख लो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा डोमेन, तो लिख लो इसको, फर्स्ट इज डोमेन। तो ये तो हमने पहले भी डिस्क्राइब कर रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स में ही मैंने बताया था। डोमेन किसको बोलते हैं कि जो, अगर मान लो चलो हम इसको लिख लेते हैं पहले फॉर्मली, फॉर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द डोमेन इज, the domain is values of x for which y is defined। ठीक है, क्या हो गया हमारा डोमेन, x की वो वैल्यूज का एक कंप्लीट सेट, इधर पूरा अगर सेट भी लिखना है सेट के फॉर्म में लिख लो, इट इज द डोमेन इज कंप्लीट सेट ऑफ, इधर लिख लो, चलो एक काम करो, द डोमेन इज कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। y से मेरा मतलब क्या, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 1/(x-2)। ठीक है, तो मैंने बोला इस एक्सप्रेशन का या फिर इस फंक्शन का व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन क्या होगा कि x की क्या क्या वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं। तो हमें पता है कि इसमें हम अगर मतलब भाई इसको डिफाइन होने के लिए बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमें पता है 1/0 इज अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। सो एक्सेप्ट टू आई कैन पुट ऑल रियल वैल्यूज। टू पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो टू पे तो डिफाइन नहीं होगा वाई, बट टू के अलावा सभी वैल्यूज, एक्स की कोई भी वैल्यू रखू इसमें, तब हमारा वाई क्या होगा, डिफाइन होगा। हेंस डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है ना, x की वो वैल्यूज जो
अलाउड है, या फिर मतलब इसको और सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, चलो इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। आगे चल के पढ़ेंगे हम इसे एक्स को, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम फॉर्मली फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, मतलब आफ्टर लर्निंग ग्राफ्स वी विल सी व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अभी के लिए लिख लिया क्योंकि फिर हम बाद में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि इंडिपेंडेंट क्यों यूज कर रहा हूं मैं था, ठीक है। तो क्या मैंने बोला डोमेन को कि एक्स की अलाउड वैल्यूज का कंप्लीट सेट इज फॉर डोमेन, जैसे कि मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, तो मैंने बोला व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस एफ, मतलब वाई दिस इज व्हाट एफ ऑफ एक्स, y as a function of x, x का expression है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं y is equal to f of x। तो क्या लिखेंगे, domain क्या होगा, x की values का complete set जो allowed हो। अब इसमें allowed क्या है, देखो allowed वो होगा जिसके लिए root के अंदर positive quantity है, more specifically non-negative, मतलब negative ना है, zero और zero से बड़ा है। तो x की value क्या रखूं मैं, two या two से ज्यादा, क्योंकि two से छोटी रखी तो root के अंदर negative हो जाएगा, तो define नहीं होगा, hence I have to put x greater than equals to 2, तो मेरा domain क्या हो गया, domain is x greater than equals to 2, तो उसको set के form में कैसे लिखूंगा, 2 close से infinity, ठीक है, तो ये हो गया हमारा domain। अच्छा ये तो ये जो part अभी मैंने बताया वो तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ये कवर किया था थोड़ा बहुत। अब हम देखेंगे कि ग्राफ से कैसे निकालेंगे किसी फंक्शन का डोमेन, ठीक है। तो बिफोर दैट जस्ट कॉपी इट, आई रब दिस पार्ट। मैंने क्या बोला, हम डोमेन को ग्राफिकली कैसे समझेंगे या फिर कैसे निकालेंगे कि व्हाट इज द डोमेन, ठीक है, चलो उसको देख लेते हम। तो मैंने बोला डोमेन को क्या बोला, एक्स की अलाउड वैल्यूज का एक कंप्लीट सेट इज डोमेन। तो जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एक ग्राफ लिया, छोटा सा ग्राफ ले लिया, लेट्स से ये यहां से लेके यहां तक ऐसे लिया, लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 3 और ये तो कुछ है लेट्स से 5 एंड दिस इज लेट्स से 6, दिस इज माय ग्राफ। मान लिया कोई तो फंक्शन है उसका ग्राफ है ये f(x), दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राफिकली कैसे बताएंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन ग्राफिकली, क्या बोलेंगे कि ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, क्या बोला, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन। तो अब ध्यान से देखें हम, अगर मान लो मैंने इस ग्राफ का मुझे डोमेन बोलना है, तो ये ग्राफ कितना प्रोजेक्ट हो रहा है, यहां से यहां तक। अच्छा एक चीज और, इधर तो क्लोज है, दिस इज क्लोज क्लोज एंड दिस इज ओपन, जब प्रोजेक्शन लूंगा मैं इस ग्राफ का x एक्सिस पे तो इधर ओपन आएगा, तो दिस इज माय डोमेन, मतलब इतनी वैल्यूज x की मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में रख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 क्लोज से 3 ओपन, याद रखना 3 पे ओपन लगाया बिकॉज इधर ओपन था। तो क्या लिखेंगे इसको, लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो ग्राफिकली, ग्राफिकली डोमेन इज, ग्राफिकली डोमेन इज क्या हो गया, डोमेन क्या बताया मैं, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफिकली डोमेन इज प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आया बच्चों, तो जैसे कि मैंने इधर लिया प्रोजेक्शन, इस ग्राफ का अगर एक्सेस प्रोजेक्शन लूंगा तो इधर इधर 1 पे गिरेगा जाके और ये सारी वैल्यूज कवर होंगी, फिर इधर ओपन आएगा, तो 1 क्लोज से 3 ओपन इज डोमेन फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। तो याद रखना इसको, एक आध और देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, चलो एक और देख लेते हैं, यहां से लेके ये बनाया मैंने, यहां तक बनाया, चलो इसको मैं ओपन रख देता हूं, लेट्स से दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फिर मैंने बोला व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे हम ग्राफिकली, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, देखना मैं रेड ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं, दिस विल बी द प्रोजेक्शन, यहां पे क्लोज आएगा बिकॉज यहां क्लोज है, ये पूरा क्लोज रहेगा, फिर ये ओपन रहेगा, फिर ये क्लोज रहेगा, तो ब्लू में जो शेड किया दैट इज 1 क्लोज से 2 ओपन यूनियन 2 ओपन से 3 क्लोज। इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, 1 क्लोज से 3 क्लोज माइनस 2 हटा देते हैं इसमें से कर्ली ब्रैकेट, क्लियर है। सो दिस इज डोमेन फॉर दिस ग्राफ,
अब समझ में आया होगा, बहुत छोटी सी चीज है, अभी के लिए इतना काफी है। बाकी हम डोमेन के लिए अलग से एक पूरा लेक्चर लेने वाले हैं आगे चल के, हम जब हम काफी कुछ पढ़ लेंगे तब हम डोमेन के क्वेश्चंस वगैरह पे भी देखेंगे कि जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे उनका डोमेन कैसे निकालेंगे। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, जस्ट टू गिव अ ओवरव्यू, एटलीस्ट मतलब ये बोल सकते हैं रिविजन हो गया हमारा जो हमने पहले पढ़ा है उसका। ये पार्ट थोड़ा सा नया था ग्राफिकली वाला, ठीक है ना। बाकी हमें डोमेन तो पहले से पता है, पहले ही पढ़ाया है कि डोमेन क्या होता है, एक्स की कंप्लीट वैल्यूज का सेट, अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना, जिससे मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो। अभी मैंने क्या बताया, बस ग्राफिकली तुम लोगों को याद रखना कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा चलो एक आध और देख लेते हैं, जैसे मैंने प्लॉट किया, देखना, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ और फिर लेट्स से ये ग्राफ है 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो मैंने बोला इसके लिए डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या बोला मैंने, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो देखना ये क्लोज है तो यहां से तो ये पूरा कवर हुआ, इस पे भी क्लोज आएगा, ये ओपन है तो इधर भी ओपन, फिर ये पूरा आएगा और ये पूरा क्लोज। तो डोमेन क्या बोलूंगा मैं, 0 क्लोज से 1 क्लोज यूनियन, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं, 2 ओपन से 3 क्लोज, दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने समझ लिया कि डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज रेंज, ठीक है ना। रेंज भी मैंने तुम लोगों को पहले बताया हुआ है, बट ठीक है अभी एक बार और बताएंगे, ग्राफिकली भी समझेंगे कि रेंज क्या होता है कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। तो सेकंड लिख लो, तो मैं इसको रब कर देता हूं, राइट डाउन सेकंड थिंग दैट इज रेंज इन अवर टर्मिनोलॉजीज। तो लिख लेता हूं मैं इधर रेंज, RANGE, ठीक है। तो रेंज, रेंज को जैसे कैसे डिफाइन किया था, हमने पहले भी किया हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में, कि जो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट, रेंज। तो ऐसे लिख लो इसको, फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ x, फॉर y इज इक्वल टू f ऑफ x, द ऑब्टेन्ड वैल्यूज, द सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड values of y is what, range, the complete set of obtained values of y, मतलब जो हमारा डोमेन आया था ना x की वैल्यूज आई, लेट्स से कोई फंक्शन है उसके लिए डोमेन आया 1 2 3, तो उनके करस्पोंडिंग जो y की वैल्यू आएगी उसका जो कंप्लीट सेट होगा दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं डिफाइन ही ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने डिफाइन किया कि मेरा जो एफ एक्स है वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, और मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को। हम आगे देखेंगे कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन वगैरह, क्या इसका मतलब क्या होता है डोमेन का रिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे अभी अगर मैंने इसका डोमेन बोला तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे, डोमेन इज आर, क्योंकि इसमें एक्स कुछ भी रखूँ डिफाइन होगा हमेशा, कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ। बट एक मिनट के लिए मैंने बोल दिया कि अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स इज लेट से 1, 2, 3, ये मैंने बोला इस फंक्शन के लिए, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन को, उसने बोला 1, 2, 3 रखना है, इसके अलावा हम कुछ नहीं रख सकते। तो ये तो हो गया मेरा डोमेन। तो रेंज क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज को मैं अब fx में रखूंगा, y इक्वल टू fx में इस वाले में, और y की वैल्यू देखूंगा क्या क्या आ रही है उसका कंप्लीट सेट। तो व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 1, व्हाट यू विल गेट, y 1 मिलेगा, 1 स्क्वायर 1। व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 2, y कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर व्हिच इज 4, एंड व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 3, y यू विल गेट इज 9। So this set, like that is 1, 4, 9, this is what my range, समझ में आया बच्चों क्या बोला मैं, y की जो वैल्यू मिली हमें कौन सी वैल्यू मिली, जब हमने जो हमारे डोमेन निकाला था ना उसको मैंने फंक्शन में रखा, उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिली उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट, माय रेंज। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन जो तुम्हें पता है अभी तक, तो उसके हिसाब से अगर मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो अगर मैंने बोला इसमें मेरी रेंज क्या है, तो व्हाट यू विल से द रेंज, तो रेंज इज वाई, अब मैं ग्राफिकली डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू बोल रहा हूँ। रेंज क्या होता है, ये प्लस वन होता है, ये माइनस वन होता है, तो ये वाली जो वैल्यूज है जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ अभी, दिस इज व्हाट माई रेंज। तो ग्राफिकली मैं कैसे डिफाइन करूंगा, जैसे मैंने डोमेन के वक्त क्या किया था, ग्राफ का प्रोजेक्शन लिया था एक्स एक्सिस पे, उसको बोल रहा था डोमेन, अब क्या बोलूंगा, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो लिख लो इसको, रेंज को ग्राफिकली कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्शन
ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। तो इसके लिए मेरा ड्रॉइंग रेंज क्या जाएगा, क्या जाएगा, माइनस वन से वन क्लोज, क्योंकि माइनस वन से वन इस ग्राफ का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो जैसे अपन और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा 1 2, लेट्स से 2 4, लेट्स से दिस इज अ ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। उसने बोला व्हाट इज द रेंज एंड डोमेन, तो क्या लिखेंगे हम, डोमेन क्या बोला था मैंने, डोमेन इज व्हाट एक्स की अलाउड वैल्यूज, और वो कैसे आता है ग्राफिकली, क्या बोलते हैं हम, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो इधर ओपन है तो इधर ओपन आएगा, तो वन ओपन से टू क्लोज, तो डोमेन क्या हो जाएगा, वन ओपन से टू क्लोज। फिर मैंने बोला रेंज, व्हाट विल बी द रेंज, प्रोजेक्शन किसका, ग्राफ का वाई एक्सिस पे, तो मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं वाई ने क्या क्या वैल्यू मिल सकता, वाई वाई की क्या क्या वैल्यू ऑब्टेनेबल है फॉर दिस रेंज ऑफ डोमेन, तो क्या हो जाएगा, टू ओपन से फोर क्लोज, सो दिस विल बी टू ओपन से फोर क्लोज। क्लियर है बच्चों, हमें क्या करना है रेंज के लिए, ग्राफ का प्रोजेक्शन लेना है वाई एक्सिस पे। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है LNX का ग्राफ, आगे हम देखने भी वाले हैं लॉगरिथमिक, बट फॉर टाइम बीइंग आई होप तुम लोगों को पता होगा, तो मान लिया मैंने ये होता है और ये होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ LNX। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो अच्छा डोमेन पे एक मिनट में आते हैं, क्योंकि इसमें एसिम्प्टोटिक काम आ रहा है, एसिम्प्टोट के बारे में थोड़ा आइडिया देना है मुझे, उसके बाद मैं इलस्ट्रेशन लेता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं अभी के लिए, आई एम रबिंग दिस पार्ट, LNX का मैं एग्जांपल 2-5 मिनट बाद लेता हूं, व्हेन आई विल डिफाइन एसिम्प्टोट। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आई विल टेक दिस एग्जांपल अगेन आफ्टर सम टाइम, उससे पहले मैं और कोई एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से cos x ले लिया, y = cos x, तो देखना y = cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा जाता है। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y = cos x। अब मैंने बोला इसका रेंज क्या है और डोमेन क्या है, तो व्हेन आई विल से डोमेन, तो क्या करूंगा, ग्राफ का प्रोजेक्शन लूंगा x एक्सिस पे, तो पूरा कवर हो जाएगा x एक्सिस, दिस कंप्लीट x एक्सिस, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू, दैट इज r। अब आते हैं रेंज पे, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा, y एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो दिख रहा है कि यहां से यहां तक इतना प्रोजेक्शन है जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्शन लोगे तो क्या लोगे, ये वाला ग्राफ का इधर ही आएगा ये, तो ये कितना है, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, तो रेंज विल बी माइनस वन से प्लस वन। ठीक ना, मैं बीच बीच में स्टैंडर्ड ग्राफ इसलिए लेते जा रहा हूं जिससे हमें धीरे धीरे याद होते जाए, क्योंकि एक साथ सोचोगे याद करने का जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ है ऐसे याद नहीं होंगे, धीरे धीरे हर एक लेक्चर में कुछ कुछ ग्राफ लूंगा तब हमें याद रह पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ cos x फॉर विच रेंज इज दिस, डोमेन इज दिस। तो हमारे दो टर्मिनोलॉजीज हो गए थे यार, एक तो डोमेन और एक रेंज। ठीक है, एक बार और रिकॉल करते हैं, डोमेन क्या था हमारा, x की अलाउड वैल्यूज का कंप्लीट सेट, या फिर x की वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन हो उसका कंप्लीट सेट, ग्राफिकली इट इज प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। फिर आया रेंज पे, रेंज क्या होगा, y की जो वैल्यूज मिली हमें उसका कंप्लीट सेट, मतलब ऑब्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y, उसको ग्राफिकली क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। इतना हमने देख लिया, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुम्हें। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, दैट इज रूट, थर्ड टर्मिनोलॉजीज, दैट इज रूट। ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये फ्रीक्वेंटली यूज होगी, ठीक है ना, हम एकदम मतलब जो भी हम स्टैंडर्ड ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं उन सबके हमें रेंज, डोमेन और आगे चल के भी, जैसे मैंने बोला रूट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रूट, फिर हम देखेंगे एसिम्प्टोट्स, फिर देखेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, फिर बाउंडेडनेस, फिर पीरियोडिसिटी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए एक किसी भी जो भी हम स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो इसलिए हम ये लोग टर्मिनोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं। तो थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला मैंने क्या बोला, रूट, तो ये भी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में लिया है। रूट किसको बोलते हैं हम, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो, तो ऐसे लिख लो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर, ऐसे लिख लो पहले, फॉर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, for y is equal to f of x, root is value of x for which
वाई इज गेटिंग जीरो, नहीं जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन, लेट से एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर मैंने बोला रूट क्या है, तो रूट किसको बोलते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा y जीरो हो रहा हो। अब मुझे पता है ये कैसे लिखा है, a into b टाइप लिखा है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो ये जीरो कब होगा, when I'll put x is equal to 1, और ये कब जीरो होगा, when I'll put x is equal to 2, hence these two are what, the roots of y is equal to this expression, ठीक है ना, x की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा y जीरो हो रहा हो। जैसे उल्टा बोलो या फिर उल्टा बोल, अगर मैंने बोला कि इफ, जैसे मैंने लिखा इफ x is equal to alpha is root of fx of f of x, ऐसे लिख लो, of y is equal to f of x, then f of alpha will be zero. Conversely भी लिख लो, मैंने क्या बोला, conversely समझ में आया क्या बोला, वैसे मैंने रूट को तो कैसे डिफाइन किया कि वैल्यू ऑफ x फॉर विच एक्सप्रेशन इज जीरो। अब उल्टा देखो, अगर अल्फा किसी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का रूट है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ अल्फा जीरो होगा, मतलब वो रूट उस एक्सप्रेशन में रखने पे माय एक्सप्रेशन विल बिकम जीरो। वैसे ही तो डेफिनेशन बोला मैं रूट की, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया मेरा नॉर्मल जो हमने पहले पढ़ चुका, अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, अब हमारे लिए नई चीज होगी, जैसे हालांकि नई चीज तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने, मेरे को याद है मैंने स्ट्रेट लाइन में भी तुमको लोगों को रूट के बारे में बताया था, क्या था, जैसे कि ग्राफिकली कैसे समझेंगे, तो मैंने बोला लेट्स से मैं इसी को प्लॉट कर लेता हूँ, दिस इज अ पैराबोला, ये हमें पता है पैराबोला है, क्वाड्रेटिक में पढ़े हम, ठीक है ना, ये भी आगे चल के अभी पढ़ने वाले, इसका रिवीजन करेंगे हम क्वाड्रेटिक ग्राफ्स का। तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज टू कॉमा जीरो, दिस इज वन कॉमा जीरो, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या बोला कि वॉट इज रूट ग्राफिकली, तो मुझे पता है इस कर्व के हिसाब से मुझे रूट बताना है, तो दिस वन इज द रूट, टू इज द रूट। अब इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, सुनना ध्यान से बच्चों, मैंने बोला कि रूट इज एक्स कोऑर्डिनेट, देखो वन पे फोकस कर रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट किसका, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस, सुनना ध्यान से क्या लिख रहा है, इधर लिख लेते हम, रूट इज, रूट इज पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ किस चीज का एक्स कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ x एक्सिस, क्लियर है बच्चों, मतलब जहां ग्राफ मेरा x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज रूट। तो मुझे पता है ये x एक्सिस है मेरा, ये ग्राफ है, तो एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, और इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वन एंड टू, हैंस रूट इज वन एंड टू। तो समझ में आया, जैसे कि मान लो मुझे अब कोई भी एग्जांपल दिया, लेट्स से ऐसे दे दिया, ऐसे दिया है कुछ, तो ग्राफ ये ब्लू दे रखा है, ठीक है ना, और ये मार्क कर रखा है, लेट्स से दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर, मतलब वन कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो। तो इस इन्फॉर्मेशन में मैं क्या लिखूंगा, रूट इज, रूट क्या कहूंगे, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, क्लियर हुआ बच्चों, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को चार जगह कट किया है, हेंस दीस फोर विल बी द रूट्स। तो ग्राफिकली क्या हो गया हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द रूट, क्लियर है बच्चों। तो वीडियो पॉज करके इतना कॉपी करो, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज रूट, सॉरी दैट विल बी एसिम्प्टोट, नहीं तो उससे पहले एक काम करते हैं मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। चलो फोर्थ वाला डाल लो तुम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम हालांकि कुछ नया नहीं है, एक बार रेंज आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा उसी से, तो इसको लिख लेते हैं, बट चलो लिख लो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल वाई लिख लो, ठीक है। तो जैसे कि इसको भी एग्जांपल से देखते हैं, तो मैंने बोला लेट्स से ये वाला मेरा पहले जो मैंने लिखा था इसी टाइप का लिखा था, एग्जांपल वन है, ये टू है, और लेट्स से इसके करस्पॉन्डिंग टू है, और इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से फोर फाइव जो भी। फिर मैंने बोला इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा हमारा, हम पहले रेंज लिखेंगे, फिर रेंज जो आएगा सेट फॉर्म में उस सेट के अंदर देख लेंगे सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा मेरा, इसकी मैं पहले क्या करूंगा,
रेंज लिखूंगा। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी, क्या बताया था रेंज, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या होगा, 2 से 4, और 4 पे ओपन आएगा बिकॉज इधर ओपन है, दिस इज क्लोज दिस इज ओपन। तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, 2 क्लोज से 4 ओपन। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने तुम्हें बताया था, मान लो ये सब तुम्हारे सेट दिया है, तो इस सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू तो दिख रही है 2 होगी, तो लीस्ट तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो अब मैक्सिमम के लिए 2 मिनट पॉज करके तुम लोग सोचो, ये भी मैंने सेट में बताया था, सेट बेसिक मैथमेटिक्स में, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस सेट। बहुत से लोग 4 बोलेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे 3.99, बट एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहां ओपन लगा हुआ है। अब कोई बोलेगा सर ऐसा ये बोल सकते 4 से जस्ट छोटी, तो देयर इज मतलब 4 से जस्ट छोटी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई बोलेगा सर 3.9999, नहीं वो भी नहीं है, उससे भी उसके और 4 के बीच में और वैल्यू भी आ जाएगी। क्या बोला मैं, जैसे मान लो कोई ने बोला 3.99 4 से छोटी है, जस्ट छोटी है, नहीं उससे जस्ट छोटी, लो मैं और लिख देता हूँ। तो कोई बोलेगा हाँ सर ये ले लेते हैं, इससे और छोटी, इससे थोड़ी और बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी। मान लो ये मेरा 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये तो और ज्यादा क्लोज है ना 4 के, तो आई कैन से दिस इज मोर नियरर टू 4, बट आई कैन नॉट से दिस इज जस्ट वैल्यू जस्ट ग्रेट लेस देन 4। 4 से जस्ट छोटी वैल्यू तो और भी होगी, तो हम एक्चुअली लोकेट नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर वी विल से कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वाई डज नॉट एग्जिस्ट, वी विल नॉट से 4 से जस्ट छोटी वैल्यू, लिखेंगे कैसे उसको फिर, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी ओपन सर्कल होगा तो इनसे द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है बच्चों। तो मैक्सिमम एनी वैल्यू के लिए कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो रेंज का ही क्वेश्चन हो गया। रेंज को तुमने सेट फॉर्म में लिखा, फिर इस सेट के अंदर देख लो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। चलो अब आते हैं द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एसिम्प्टोट, ठीक है ना। अब मतलब थोड़ा नया चीज रहेगी तुम लोगों के लिए, एसिम्प्टोट थोड़ी बहुत नहीं रहेगी, डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी हम, बाकी बेस थोड़ा बहुत तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं, अगेन एसिम्प्टोट से रिलेटेड। तो पहले लिख लो इसको एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो हम कहां पढ़े, किस ग्राफ में पढ़े, तो देखो एक बार पहले मैं बता देता हूं एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे। तो देखना एग्जांपल में मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूं एल एन एक्स का, दिस इज वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, दिस इज माई एक्स एक्सिस, देखना सुनना, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स। तो एसिम्प्टोट क्या है, हियर एसिम्प्टोट इज वाई एक्सिस, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस क्या हो रहा है कि जो मेरा ग्राफ है ना वो वाई एक्सिस को अप्रोच करते जा रहा है, जैसे जैसे हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे ये दोनों जो लाइन है ग्राफ वाली और वाई एक्सिस ये आपस में पास आती जाएंगी। जैसे यू कैन सी द विड्थ, दिस इज गेटिंग स्मॉलर, ये विड्थ है हमारी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं नजदीक या कम होती जा रही है, ठीक है ना, दूरियां। तो यू कैन सी कि जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा नीचे और, तो वाई एक्सिस क्या करेगा, इसको टच करने की कोशिश करेगा, ऑल दो इट विल नॉट टच, इट विल अप्रोच, ठीक है ना। तो हाँ ऐसे क्रूड लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जो वाई एक्सिस जो अपना एसिम्प्टोट है, हियर इट इज वाई एक्सिस, वो एसिम्प्टोट क्या करता है, ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं हमें पता ही है, वो देख मतलब हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब एक बहुत बड़ी नंबर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ऑल दो इट विल नॉट टच, बट हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके वो टच करेगा, बट इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, बहुत क्लोजर होता जाएगा, टच तो कभी करेगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो एसिम्प्टोट को हम कैसे डिफाइन करें, कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन है, इसमें खूबी क्या है कि जो ग्राफ है ना वो इसको इनडेफिनेटली अप्रोच करता जा रहा है, मतलब निरंतर अप्रोच करते जा रहा है, लगातार रुक नहीं रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जाते जाते उसको कोशिश कर रहा है टच करने की, बट ऑल दो इट विल नॉट टच। तो ऐसे लिख लो, इट इज अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स विच ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेस इनडेफिनेटली। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली से मेरा मतलब क्या है, लगातार वो ऐसे नहीं रुक गया, इन्फिनिटी तक चलते चलते वो अप्रोच करते जा रहा है। सो हेंस वाई एक्सिस इज अपना एसिम्प्टोट फॉर एल एन एक्स, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो ग्राफ को टच करते जा रहा है। देखो जो एसिम्प्टोट है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफ, ये तो बोल सकते हैं सपोर्टिंग कर्व है, मतलब एक कर्व को हमें सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा कर्व के बारे में और जानकारी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और मैंने उसका भी जिक्र तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में किया है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो उसका और देख लेते हैं हम एक बार, क्या लिखा मैंने, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, तो अगेन मैंने अभी क्या बोला कि जो एसिम्प्टोट है एक्चुअली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का कोई ब्रांच नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, वो ग्राफ का एक सपोर्टिंग कर्व है, मतलब उसकी मदद से हम कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई टोल्ड यू इट्स एसिम्प्टोट। पहले हमने लिखा रखा है कि इसका एसिम्प्टोट होता है ये वाली डेड डैश लाइन। देखो एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है हम, ठीक है ना, अभी जो हम स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं उनके लिए तो मैं बता ही दूंगा, और बाकी देयर इज अ मेथड टू फाइंड एसिम्प्टोट्स, वो हम बहुत बाद में देखेंगे जब हमारा काफी अच्छा कमांड हो जाएगा कैलकुलस पे, ठीक है ना, तो उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत सारी चीजें यूज होंगी, ठीक है ना। एक्चुअली कर्व स्केचिंग आएगा तुम्हारा एक आगे चल के, उसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। एक तो ये होती है एसिम्प्टोट, इसमें जो मैं डेड डैश लाइन बना रहा हूँ, एक ये होती है। जो ब्लू वाली लाइन बनाई दे आर वॉट एसिम्प्टोट्स, तो इसका जो ग्राफ बनता है बहुतों को याद भी होगा मैंने बनवाया था, तो ग्राफ होता है ऐसा कुछ, ठीक है, और इधर होता है हमारा, ठीक है ना। एक काम करता हूं इसको रेड कलर से मार्क करता हूं, जस्ट लुक एट हियर, आई ड्रॉ इट विथ रेड कलर, तो ब्लू और ब्लैक यूज हो गए हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है ना, मतलब ये बोल सकते हैं बहुत बार इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आया इसके बेसिस पे, तो हमें एकदम इसका टेस्ट पे होना चाहिए ग्राफ। पहले मैं एक बार कुछ कुछ चीजें से बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब पहले हम इसके काम करते हैं, एसिम्प्टोट की बात कर लेते हैं। तो एसिम्प्टोट मैंने क्या बोला, जो ब्लू वाले लाइन है दे आर एसिम्प्टोट, और इनकी इक्वेशन क्या होती है इस पर्टिकुलर केस में, वाई इज इक्वल टू एक्स और दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। क्या बोला, y is equal to x and y is equal to minus x are what asymptote for this graph। देखो ग्राफ तो केवल रेड वाला है, देखो इधर लिख लो तुम, रेड वाला ही ग्राफ है, जो रेड वाला है ना दैट इज ग्राफ, और जो डेड डैश डैश लाइन है दैट इज बेसिकली asymptote, ठीक है ना, सपोर्टिंग कर्व लिख लो इसको, asymptote इज व्हाट, सपोर्टिंग कर्व, सपोर्टिंग कर्व, not a part of graph, not a part of graph, ठीक है, चल, हाँ, तो ये हो गया मेरा y equal to x and y equal to minus x are, sorry, ये मेरा एक मिनट mistake है, ये मेरा line नहीं है, ये वाला line मेरा asymptote नहीं होगा, mistake, actually not, this is not a, केवल y equal to x ही होगा, y equal to x is what asymptote and y axis. क्योंकि ये रेड वाला ग्राफ है वो y एक्सिस को भी अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। देखो जैसे जैसे अगर मैं x जीरो की तरफ मूव करूंगा, मतलब मान लो वन से चल के आया जीरो की तरफ आ रहा हूं, तो ग्राफ क्या कर रहा है, y एक्सिस को इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा है। तो इधर मैं एसिम्प्टोट क्या लूंगा, दो एसिम्प्टोट है मेरी, एक तो एसिम्प्टोट्स आर, एसिम्प्टोट्स मेरी क्या क्या होंगी, एक तो फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू x एंड सेकेंड वन इज y एक्सिस, y एक्सिस को क्या लिखेंगे मैथमेटिकली, x इज इक्वल टू जीरो। So these two are my asymptotes, क्योंकि इन दोनों lines को हमारा जो graph है red color में वो निरंतर approach करता जा रहा है indefinitely, clear है बच्चों। तो ये हो गया हमारा asymptote का discussion। एक काम करते हैं इस particular graph के लिए हम range और domain अभी लिख लेते हैं, बाद में दोबारा इस graph पे आने वाले हैं, but अभी तक जो हमने terminologies देखी उसके हिसाब से हम इसका एक बार देख लेते हैं, क्या है domain, क्या है root, क्या है maximum minimum value वगैरह क्या है। तो इसको इस part को मैं रब कर देता हूँ, देखना। तो सबसे पहले जैसे हमने डोमेन से स्टार्ट किया था, तो डोमेन देखते हैं। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिखो पहले चारों पांचों चीज, कौन कौन सी चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी टर्मिनोलॉजीज में, जिसमें पहला है डोमेन। तो डोमेन क्या बोला था मैंने, ग्राफिकली कैसे बोलते हैं, ग्राफ का प्रोजेक्शन होना एक्स एक्सिस। तो दिख रहा है रेड वाले जो पार्ट लिखा है ग्राफ, उसका मैं प्रोजेक्शन लूंगा, तो यहां केवल ओरिजिन पे ओपन आएगा, बिकॉज ओरिजिन तो ये ओरिजिन को तो कभी टच करेगा नहीं, मतलब जो डिफाइन ही नहीं होगा, वैसे भी दिख रहा है ये जो मेरा वाई है। देखो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इसमें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन भी है अवेलेबल है, प्लस ग्राफ भी अवेलेबल है, तो एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं एक्स डिनोमिनेटर में, तो एक्स जीरो छोड़ के बाकी कुछ भी डाल सकता हूं इसमें, तो आर माइनस जीरो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, या फिर मैं इसको ग्राफिकली भी बोल सकता था,
ग्राफ का प्रोजेक्शन लूंगा एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पे तो ओपन सर्कल है, ओरिजिन पे डिफाइन ही नहीं, देखो एसिम्प्टोट है ना वाई एक्सिस। फिर नेक्स्ट आते हैं रेंज, ठीक है ना, इसकी निकालेंगे कैसे रेंज वगैरह, वो मेथड आगे आएगा, अभी के लिए हम याद रखेंगे इसकी जो रेंज होती है, जो मिनिमम वैल्यू आती है पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू, ये 1 पे आती है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2। सिमिलरली जो इसकी वैल्यू आती है -1 पे वो आती है -2, इतना याद रखेंगे अभी के लिए, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा व्हाट इज द रेंज, देखो वाई एक्सिस पे कितना कवर करेगा, देखना ये क्लोज है, ठीक है ना, दिस इज क्लोज, तो वाई एक्सिस पे कितना कवर करेगा देखना, यहां से ये पूरा नीचे तक कवर करता जाएगा, नीचे तक जाएगा ग्राफ, और फिर यहां से क्या करेगा, ये वाला जो मैंने अभी शेड कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ रेड वाला ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया 2 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया -इन्फिनिटी से -2। तो रेंज क्या लिखूंगा मैं, -इन्फिनिटी से -2, -2 पे क्लोज है, ठीक है ना, -2 वैल्यू आएगी एट एक्स इजिकल टू 1, दैट इज सॉरी एक्स इजिकल टू -1 पे हमारी -2 आने वाली है, ठीक है ना, दैट यू कैन वेरीफाई यूनियन 2 क्लोज से इन्फिनिटी। ये क्या हो गया हमारा रेंज ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, उसमें रूट, तो रूट देख लेते हैं। तो रूट क्या था, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो, तो या तो तुम इसको एक्सप्रेशन को जीरो करके देखो, या फिर ग्राफिकली डायरेक्ट, अभी हमारे पास ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है तो इट्स बेटर वी कैन सी फ्रॉम ग्राफ। तो क्या करें, ग्राफ को देख लेते हैं, कहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां कट कर रहा होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द रूट, बट देखो रेड वाला जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा है, इसलिए रूट क्या होगा, नो रूट, नो रूट, कोई भी रूट नहीं आएगा, कोई भी रूट नहीं आएगा, मतलब नो रियल रूट, हम रियल की बात कर रहे हैं। अब तुम इससे भी देख सकते थे, क्या करो इसको जीरो को इक्वेट करो, देखो एक्स की कोई रियल वैल्यू आ रही है या नहीं। तो मैंने लिखा एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू जीरो, तो इससे आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो कोई रियल वैल्यू मिली क्या, नहीं, इससे तो आयोटा और माइनस आयोटा आ गए, तो वैसे भी वेरीफाई होगा कि कोई रूट नहीं आ रहा और ग्राफिकली भी नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राफिकली क्या जो रेड वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा है, हेंस देयर इज नो रूट। क्लियर है बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, इसके बाउंडेडनेस, क्या है बाउंडेडनेस, हमारा 5th या 6th पॉइंट है जो भी है तुम लिख लेना बाउंडेडनेस, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि कब हम ग्राफ को हमारे फंक्शन को बाउंडेड बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे जैसे नाम से ही तुम्हें आइडिया लग गया होगा, बाउंडेडनेस मतलब जिसकी रेंज हो वो एक फाइनाइट हो, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखना, एक तरीका तो क्या है कि अगर तुम्हारे रेंज जो है वो फाइनाइट है, मतलब रेंज को हमने कैसे डिफाइन किया था, प्रोजेक्शन ऑफ वाई सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, तो मैं बोल रहा हूँ अगर प्रोजेक्शन जो है वो एक फाइनाइट लेंथ का है तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राफ या फंक्शन इज बाउंडेड, अगर वो प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे इट इज नॉट फाइनाइट, इट इज नॉट अ फाइनाइट लेंथ, देन इट विल बी अनबाउंडेड। और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे बोल रहा हूँ देखना, कि मान लो पहले मैं इसको समझ लेता हूँ, लेट से ये मेरा कर्व है, तो मुझे पता है ये बाउंडेड है क्योंकि यहां से यहां तक इसका जो है वाई एक्सिस प्रोजेक्शन है यहां से यहां तक। अब मैं इसको डिफाइन कैसे कर रहा हूं कि देखना, अगर मान लो मुझे कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जिसके बीच में मेरा कंप्लीट ग्राफ आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, बाउंडेड है। क्या बोला दोबारा, इफ आई एम एबल टू गेट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसके अंदर मेरा ग्राफ आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राफ इज बाउंडेड। अगर नहीं आ पाएगा, अगर मान लो मुझे कोई भी ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिल पाई जिसके अंदर पूरा ग्राफ आ जाए तो बोलूंगा अनबाउंडेड है। तो मैथमेटिकली देखना मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, अ फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर लेट से कैपिटल एल such that mod of f of x is less than equals to capital L, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे कोई एक नंबर मिल गया मान लो कैसा नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स जो है ना वो हमेशा एल से छोटा है, इसका मतलब क्या है, वी आर एबल टू गेट टू हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसके बीच में मेरा पूरा ग्राफ आ जाए, तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना।
अच्छा, तो अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैंने ये जैसे यही लिखा है, तो अब देखना इधर मेरा ओपन है। चलो तो मैं इसका जैसे मैं क्या लिखूंगा, ये बाउंडेड हो या नहीं पहले वो देख लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा बाउंडेड है मेरा। इसमें भी अंदर हम दो चीज देखेंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। देखो कैसे मैं बोला बाउंडेड, देखो अब मान लो जैसे मैंने इसको मैं पूरा स्केल कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज वन एंड लेट्स से दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज लेट्स से फोर। तो अब देखो मुझे दो ओरिजेंटल लाइन मिल रही है, कौन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू फोर, जिसके अंदर मेरा पूरा ग्राफ आ रहा है, हेंस दिस इज बाउंडेड। अच्छा अब मैं देखो क्या है कि अब मेरे को इसमें लिखना है लोअर बाउंड। देख पहले मैंने लिखा बाउंडेड है, बिल्कुल है। अब मैं लिख रहा हूँ लोअर बाउंड, जब पूरा बाउंडेड है तो लोअर बाउंड होगा अपर बाउंड होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों होंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, तभी हमारा टोटली कर्व बोलेंगे दिस इज बाउंडेड। अब लेकिन मुझे लिखना है कि लोअर बाउंड तो है, लेकिन लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है। तो लोअर बाउंड की वैल्यू आएगी थ्री, लोअर बाउंड क्या है थ्री, अपर बाउंड क्या होगा फोर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, जैसे मैंने बोला लोअर बाउंड इज थ्री, अपर बाउंड इज फोर, बट जो मेरा थ्री है लोअर बाउंड, जो लोअर बाउंड थ्री है दैट इज टेकन बाय द फंक्शन, बट अपर बाउंड जो है ना फोर, दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। क्यों? क्योंकि फोर पे ओपन है। ये चीज लिख लेना इंपॉर्टेंट। मैं इसको नीचे रफ कर देता हूं इस पार्ट को, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। क्या बोला मैंने कि फॉर द अबव केस लोअर बाउंड इज, प्रॉपर लिखो उसको, लोअर बाउंड इज थ्री, अपर बाउंड इज फोर, एंड लोअर बाउंड इज टेकन बाय द फंक्शन, क्योंकि इधर क्लोज है, बट अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। ये ऐसा नहीं बोलूंगा कि अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड इज फोर, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू फोर के नीचे ये सारा ग्राफ, बट जो एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू फोर के नीचे ही है, बट जो वाई इज इक्वल टू फोर है वो ऑब्टेनेबल नहीं है, मतलब वाई इज इक्वल टू फोर ग्राफ ने लिया नहीं है, बिकॉज इधर ओपन सर्कल है। तो जैसे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स, उसका उसने रेंज दे दिया, और रेंज दे दिया देखना क्या लिख रहा है वो, टू से लेट्स से फाइव। चलो एक और लिख लेते हैं, सेकंड कंपैरिजन हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा क्या बता रहा हूं। एक है टू ओपन से फाइव क्लोज, और एक थर्ड वाला है लेट से टू क्लोज से फाइव ओपन। ठीक है, अच्छा इसको रब कर देते हैं, और फोर्थ है टू से इन्फिनिटी ओपन, फिफ्थ वन है टू क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बाउंडेड से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला वाला तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, 100% बाउंडेड है, क्योंकि टू और फाइव रेंज है, तो इसका ग्राफ जो है वो इसी के बीच में होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, लोअर बाउंड है अपर बाउंड है, अगर दोनों है तभी मैं बोलूंगा बाउंडेड है, ओवरऑल ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड। अब मैं बोलूंगा लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, टू है, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, फाइव है। इधर भी यही डाटा आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, इधर एग्जैक्टली सेम आएगा। अंतर कहाँ हो जाएगा, अंतर ये हो जाएगा कि लोअर बाउंड इधर भी टू रहेगा, अपर बाउंड फाइव रहेगा, बाउंडेड रहेगा, बट इधर एक चीज अंतर हो जाएगी, लोअर बाउंड दैट इज टू इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। देखो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं अगेन, बोलते हैं लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नहीं लोअर बाउंड है, टू है, ऑल द टू इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज, इसलिए मैंने लोअर बाउंड और अपर बाउंड को रेंज से डिफाइन नहीं किया, रेंज की मदद से। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज इज लोअर बाउंड, नहीं गलत हो जाएगा डेफिनेशन, क्योंकि इस वाले सेट के अंदर लोएस्ट एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन लोअर बाउंड तो टू है, क्योंकि टू के वाई इज इक्वल टू टू के ऊपर ऊपर आएगा ग्राफ। समझ में आया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज एंड लोअर बाउंड, एंड सिमिलरली हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज एंड अपर बाउंड। समझ में आया इन दोनों केस में डिफरेंस, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, इसका भी लोअर बाउंड टू है, इसका भी लोअर बाउंड टू है, इसका भी अपर बाउंड टू है, इसका भी अपर बाउंड टू है, फाइव है सॉरी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इसमें जो लोअर बाउंड है विच इज टू, दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, बट हेयर इट इज टेकन बाय द फंक्शन, दैट्स इट। सिमिलरली हेयर ऑल्सो सब कुछ डाटा सेम रहेगा एक्सेप्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड फाइव तो रहेगा, बट फाइव जो है वो इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। तो प्रॉपरली इधर लिख लो, अपर बाउंड इज फाइव बट इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। एंड लास्टली चलो इसमें और देख लेते हैं ये दोनों में। हाँ, अब इसमें ये क्या आएगा, केस हमारा अनबाउंडेड का आएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, लोअर बाउंड क्या है, टू है, तो लोअर बाउंड
कर्व इज लोअर बाउंडेड, ऐसे लिख लो, कर्व इज लोअर बाउंडेड, बिल्कुल सही है। अपर बाउंड है क्या? नहीं यार, इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो अपर बाउंड। अब इनमें से कोई भी एक फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड, ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड। तो फिर अब आगे बात डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना करेंगे लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, टू। ऑल्दो इट इज टू, ओपन है, बट लोअर बाउंड विल बी टू, इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत स्ट्रेस दे दिया, इसलिए दिया बिकॉज जनरली क्या करते हैं बच्चे लोग, वो बोलते हैं लोअर बाउंड इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज, गलत हो जाएगा क्योंकि इसी हिसाब से इस केस में लीस्ट वैल्यू तो है ही नहीं, कोई टू नहीं बोलेंगे। अभी बताया था मैंने रेंज के वक्त, मैक्सिमम मिनिमम के वक्त, कि दिस इज नॉट, टू इज नॉट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट लोअर बाउंड तो है टू। अब इधर देखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, मेरा लोअर बाउंड कर्व है, अपर बाउंड नहीं है, तो ओवरऑल अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड है। अब लोअर बाउंड में मेरा क्या आएगा, लोअर बाउंड इज टू, और इन दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, इधर भी लोअर बाउंड टू था, इधर भी लोअर बाउंड टू है, बट हेयर लोअर बाउंड इज टेकन बाय द फंक्शन, हेयर लोअर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, चलो अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और है, पीरियोडिक फंक्शन, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगेन जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है, रेंज, डोमेन, रूट वगैरह, इसका बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। जैसे अभी तो मैंने एक क्लास में ये पांच छह टर्म्स डिस्क्राइब कर दिए, अभी हम इन्हीं को एक ही टर्म को दो दो एक एक दो दो क्लास में डिस्कस करेंगे, तो सोचो कितना लेंथ हम करने वाले हैं कवर। मतलब रेंज वाला जो पार्ट आएगा ना, अभी जो तुम मैंने रेंज को बताया कि वो हम एक्चुअली में इट विल टेक 3 to 4 आवर्स आगे चल के हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। अभी तो मैं जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूँ टू मेक यू फील ऑफ सब्जेक्ट, मतलब फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे तो है क्या एक्चुअली फंक्शन में, ठीक है। चलो अब मैंने देखा नेक्स्ट जो भी हमारा 6th या 7th पॉइंट था, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन। चलो पीरियोडिक फंक्शन लिख लो ऐसे, तो इसको मैं फॉर्मली डिफाइन मतलब लैंग्वेज अभी मैथमेटिकली डिफाइन हम बाद में करेंगे, बाकी लिख लेते हैं इसको समझेंगे बाद में, कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी के बराबर होता है। अभी के लिए मैं क्या याद रखूंगा, वो फंक्शन जो अपनी वैल्यू रिपीट करे इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो लिख लो फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ, फंक्शन विच रिपीट्स itself is called periodic, और जिस इंटरवल से वो रिपीट कर रहा है उसको बोलते हैं उसका पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा एक, चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का ही ले लेते, बहुत स्टैंडर्ड कर्व, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दोनों तरफ इनफाइनेटली जा रहा है हमारा, तो इसमें मैंने बोला कि इज इट पीरियोडिक, तो आंसर मिलेगा हाँ ये पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि अगर यहां से यहां तक, जैसे मैंने जो ब्लू में बनाया है, This is the one cycle. अगर यहां तक की कोई मुझे ग्राफ दे दे, इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद तो रिपीट कर रहा है ना ग्राफ, यही पार्ट उठा के मैं आगे रख दूं, यही पार्ट उठा के मैं पीछे रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका पीरियड, जिस लेंथ से वो रिपीट कर रहा है दैट इज नथिंग बट पीरियड, मोर प्रिसाइसली फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो ग्राफ विच रिपीट इटसेल्फ, अब जैसे और आगे चल के पढ़ेंगे हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उसको और देख लेते हैं उसका ग्राफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी वो सब स्टैंडर्ड, बिकॉज धीरे धीरे तो हमें याद हो जाएंगे। तो जब हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ क्या आएगा ऐसे, ठीक है, ये दिस इज 0, दिस इज 1, 1, 2, 3, और सिमिलरली इधर आएगा एंड सो ऑन, -1 एंड सो ऑन। तो दिस इज वॉट पीरियोडिक, ये भी क्या हो रहा है, देखो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, ये वाला मैंने जो बनाया, ये वाला पार्ट यही रिपीट कर रहा है एक एक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड। क्लियर? अच्छा तो क्या करें, क्या बोलेंगे इसको, जो वो फंक्शन जो अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है आफ्टर फिक्स्ड लेंथ या आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक, एंड दैट फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा अब जैसे बहुत से लोगों को मैंने बोला, पूछता हूँ जैसे मान लो इसका पीरियड बताओ, तो कुछ कुछ बच्चे लोग गलत जवाब देते हैं, देखना लेट से ये 1 है 2 है ये 3 है और इसी साइड भी पीछे ऐसे जाते जा रहे हैं। तो अगर मैंने बोला व्हाट इज द, इज इट पीरियोडिक, आंसर मिलेगा यस, यहां तक तो सीख गए कि वो यस बोलते हैं पीरियोडिक है तो रिपीट कर रहा है, बट अगर मैंने बोला ना व्हाट इज द पीरियड, तो वो बोलते हैं हाफ, एक मिनट रुकना, 1, 2, 3, हाँ वो बोलते हैं दिस इज द पीरियड, ये पीरियड थोड़ी है, पीरियड ये पूरा है यहां से यहां तक, क्योंकि इसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। अगर कोई बोले ना कि नहीं सर ये वाला पीरियड मानते हुए, तो अगर ये पीरियड बनाया तो मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, ये पार्ट होगा, इसको रिपीट करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बट ये ग्राफ थोड़ी है,
मिनिमम कितना मतलब पीरियड, पीरियड को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कम से कम छोटी से छोटी लेंथ हमें कितनी ग्राफ की मिल जाए सो दैट आई विल बी एबल टू डेवलप, आई विल बी एबल टू ड्रॉ कंप्लीट ग्राफ। मतलब मुझे एक छोटा सा पार्ट ग्राफ का मिनिमम मिल जाए जिससे कि मैं पूरा ग्राफ बना सकूं, वो होगा फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है बच्चों? तो इधर मैं बोलूंगा टू। हाँ अगर टू टू दे दिया मतलब एक साइकिल दे दी ये वाली, मैं इसको उठा के इधर रख दो फिर उसको उठा के इधर रख दो, तो आई एबल टू ड्रॉ द कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है वैसे। ठीक है, हमने काफी टर्मिनोलॉजी देख ली, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्टली हमने क्या क्या देखा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट में इसके हम कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं हम कैसे कैसे स्टार्ट किया हमने। देखो पहले हमने देखा था डोमेन, तो डोमेन क्या हो गया, एक्स की अलाउ, एक्स की कंप्लीट सेट, एक्स की जो वैल्यूज है अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स उसका एक कंप्लीट सेट, उसको ग्राफिकली क्या बोला था हमने, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। फिर आए थे हम क्या बोलते हैं रेंज पे, तो रेंज पे मैंने क्या बोला कि जो हमने एक्स की वैल्यूज मिली डोमेन मिला उनको फंक्शन में रखा, और उधर से जो वाई की वैल्यूज मिली हमें उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट वाई, या फिर ऐसे बोल सकता हूं ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट हमारा रेंज, उसको ग्राफिकली कैसे बोला, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, सिंपल। फिर थर्ड आया था हमारा रूट, रूट कैसे डिफाइन किया था हमारा एक्स की वैल्यूज जिसके लिए मेरा वाई जीरो हो रहा हो। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन। ग्राफिकली कैसे बोला था हमने, एक्स कोऑर्डिनेट, किसका एक्स कोऑर्डिनेट, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट रूट। ठीक है, उसके बाद हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखी थी, तो एक बार हमारी रेंज आ गई, उस रेंज का जो सेट है उसी के अंदर जो लोएस्ट एलिमेंट है दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, उसी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी एसिम्प्टोट्स, तो एसिम्प्टोट कैसे बोला मैंने, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन है जिसको ग्राफ इनडेफिनेटली अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, कभी टच नहीं कर रहा है बट अप्रोच करते जा रहा है, करते जा रहा है इन्फिनिटी तक जाके, बट कभी टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, दैट इज एसिम्प्टोट। फिर हमने कुछ ग्राफ्स देखे थे जिनके ऊपर एसिम्प्टोट ड्रॉ की थी, एल एन एक्स के लिए वाई एक्सिस इज एसिम्प्टोट, फिर एक वाला ग्राफ लिया था वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स, उसके लिए हमारे दो एसिम्प्टोट आए थे, एक तो वाई इज इक्वल टू एक्स और एक वाई एक्सिस। ठीक है ना, क्योंकि जो ग्राफ था हमारा उन दोनों लाइंस को अप्रोच कर रहा है, इनडेफिनेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। उसके बाद हमने देखा इधर अपना पीरियोडिक फंक्शन देखा, पीरियोडिक फंक्शन क्या बोल रहे हैं कि जो वो ग्राफ जो वो फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और वो इंटरवल जिस पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।